सो आन बहुत सैड मूड पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन करती है, कॉज डॉक्टर फा वहाँ पर नहीं आई थी। वो इंग्लैंड में थी, कुछ कॉन्फ्रेंस में बिजी थी। आन जब बहुत सैड होकर रात में अपने घर वापस लौटती है तो वो नोटिस करती है उसके घर कलरफुल बलून से सजाए गए थे और सामने के सोफे पर डॉक्टर फा लेटी हुई थी। वो सो गई थी आन की वेट करते करते। आन जाकर उनकी केयर करती है, कॉज डॉक्टर फा इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद आई है। और इधर डॉक्टर फा उठकर उसे बर्थडे विश करती है। फा कहती है कि उसके लिए एक और स्पेशल गिफ्ट है, पर आन जब नोटिस करती है वहाँ पर बलून्स और फ्लावर बुकेट्स के अलावा कुछ भी नहीं थी, तो डॉक्टर कहती है कि आज रात वो खुद ही आन की बर्थडे गिफ्ट है। अगले सीन में टेबल पर बहुत सारे वाइन सजाए गए थे, दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। आन खुद को मूव करते हुए डॉक्टर फा की लैब पर जाकर बैठती है। और इधर डॉक्टर फा वो तो बहुत ही ड्रंक थे। वो धीरे धीरे अपने हाथ को आन की शर्ट के अंदर लेकर जाती है और अपने हाथ को मूवमेंट करती है। और एक्सीडेंटली जब उसकी हाथ आन के ब्यूटीफुल प्राइवेट पार्ट पर जाती है तो वो हैवीली मौन कहती है। और इधर डॉक्टर फा बस क्यूट होने के साथ साथ यहाँ अपनी एक और आइडेंटिटी को रिवील करती है। दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ टच होती है। आन रियलाइज करती है स्टिल डॉक्टर फा की हैंड उसकी प्राइवेट पार्ट पर थी। आन डॉक्टर फा के लिप्स को बाइट करती है। डॉक्टर फा एक वाइन की ग्लास उठाती है, वो उसमें से थोड़ी सी पीती है और उसे भी पिलाती है जो उसकी लैप पर बैठी हुई थी। फिर वो आर्न के नेक से होकर उसके लिप्स पर जाती है और यहाँ अगेन वो दोनों पैशनेट किस करती है। आर्न डॉक्टर फा की हॉट ब्रीदिंग को महसूस कर रही थी। डॉक्टर फा आर्न के फेस की ओर देखती है और बिना उसकी प्राइवेट क्लॉथ को ओपन करे स्टिल वो उसकी प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथ को मूव कर रही थी। आई लव यू माई लव, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। डॉक्टर फा की वॉइस बहुत स्वीट थी। आन इमिडिएटली नोटिस करती है जब बातचीत बेडरूम के लिए किया जाता है तो डॉक्टर फा एक डिफरेंट पर्सन बन जाती है। वो बार बार अपने लव को कन्फेस कर रही थी। आन कहती है ओके डू यू वॉन्ट टू मेक लव विथ मी दैट मच। फा कहती है यस आई बैडली वॉन्ट टू ईट विथ यू राइट नाउ। फा की वॉइस में उसके इमोशन दिख रहे थे। आर्न के फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आती है। ओके तो आर्न डॉक्टर फा को अनड्रेस करती है, उनके ब्यूटीफुल कोट को ओपन करती है। फिर ये तो उसकी जॉब थी अपने गिफ्ट बॉक्स को ओपन करना। ओके लेट्स मेक लव इन द बेडरूम, आर्न धीरे से उनके कानों में कहती है। उसकी आंखों में फुल ऑफ सेडक्शन थी। डॉक्टर फा बस चुपचाप उसे फॉलो करते हुए उसकी प्राइवेट बेडरूम तक जाती है। बैकग्राउंड से एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हो रही थी और बेडरूम पर एक स्मॉल लैम्प जल रही थी। डॉक्टर फा जैसे ही बेडरूम पर एंट्री करती है वो सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है और खुद को कम्प्लीटली सरेंडर कर देती है। उसे यहाँ से कहीं और मूव करने की मन ही नहीं कर रही थी। उसे काफ़ी रिलैक्स महसूस होती है तो वो अपनी आंखें बंद करती है, पर वो अपनी बॉडी पर एक वेट को महसूस करती है जिससे वो अपनी आंखें खोलती है। सामने आन बैठे थे एक वाइट नाइट ग्राउन पहनकर। उसे देखकर फा के फेस पर स्लाइटली स्माइल आ जाती है। राइट नाउ वो आन को परमिशन दिया है उसकी टॉप पर आने की और उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करने की। डॉक्टर फा की वाइट शर्ट धीरे धीरे रिमूव हो रही थी और उनके सिडक्टिव ब्लैक प्राइवेट क्लॉथ बाहर आती है जो वो खुद देखकर ब्लश करती है। वो बच्चे गर्ल अपने गिफ्ट को अनरैपिंग कर रहे थे और अंदर की चीज़ें एक एक करके बस कलेक्ट कर रहे थे। आन डॉक्टर फा की दोनों हैंड को ग्रैब करते हुए धीरे से कहती है नाउ टाइम आ चुकी है
मेरे प्रेजेंट को पूरी तरह देखने की। डॉक्टर फा थोड़े अनकॉन्शियस थे। आन उसके दोनों हाथ को ऊपर रखती है और उनकी शर्ट को पूरी तरह ओपन करके उस शर्ट से डॉक्टर फा की हैंड को बांध देती है। फिर इट वॉज नॉट वेरी टाइट बट वो कुछ एक्साइटेड एलिमेंट ऐड कर रहे थे। एंड साथ में डॉक्टर फा नोटिस करती है आन की हाथ में एक ब्लैक क्लॉथ थी जिससे वो डॉक्टर फा की दोनों आँखों को कवर करती है। Hey, why are you closing my eyes, huh? Fast कहती है। आन कहती है, A gift like you cannot refuse. Doctor, you must be good kid for me. Don't forget, आप मेरे गिफ्ट हो। ये कहते ही आन डॉक्टर फा को किस कहती है। आज पूरी नाइट वो अपनी स्पेशल गिफ्ट को बहुत एंजॉय करने वाली है। ब्लैक क्लॉथ होने की वजह से डॉक्टर फा को कुछ दिखाई नहीं देती है। इससे उनकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वो जितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी उनकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा रेड हो रही थी। शायद ना वो बस इमेजिन ही कर सकती है कि आन उसकी बॉडी की कौन सी पार्ट को टच कर रही है। डॉक्टर फा अपने प्राइवेट पार्ट पर आन के सॉफ्ट लिप्स को महसूस करती है जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जैसे कि इस टाइम पर वो कुछ देख नहीं पा रही इसलिए उसकी बॉडी और भी ज़्यादा सेंसेशन को महसूस करती है। और जैसे एयर कंडीशन रूम पर भी डॉक्टर फा को हॉट टेम्परेचर महसूस होती है। उसके बॉडी के ऊपर जो पर्सन उसे लिक कर रही थी वो काफ़ी स्ट्रांगली उसे लिक कर रही थी जिससे उसकी आंखें बंद होने के बावजूद वो रियलाइज़ करती है कि उसके चेस्ट पर तो रेड मार्क आ ही चुकी है। डॉक्टर फा एक्सीडेंटली अपनी लिप को बाइट करती है। आन उसे जितना टच कर रही थी फा उतनी ज़्यादा चाहती थी कि आन उसे और भी ज़्यादा टच करे। फाइनली आन डॉक्टर फा की एक सॉफ्ट मौन को सुनती है एंड वो रियलाइज करती है वो नीचे जो प्राइवेट क्लॉथ पहने थे आन उसे धीरे धीरे रिमूव कर रही है। वो चाहती थी आन की हर एक टच पर वो मूवमेंट करे पर वो जितनी ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी वो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस उसे और भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे थे। ओके क्यूरी सब आगे के सीन जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ आज मंडे है तो आज ही द सीक्रेट ऑफ आज की एपिसोड 7 एयरिंग होने वाली है। आप जाके चैनल 3 की ऑफिशियल पेज को सर्च करना तो वो आपको उस चैनल की लाइव पेज आ जाएगी जहाँ पे आपको इन सब तो नहीं मिलने वाली है पर सीरीज देखने को मिलेगी। फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो तो ओके देन मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर। बाय।